हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दिस टाइम वी आर विद दिस बुक इंग्लिश फॉर 12th 50 मार्क्स एंड वी आर ऑन द चैप्टर 5th प्रोज पार्ट 5th। इट इज़ फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लिंड। इट्स फॉरगेटिंग Forgetting by Robert Lynd. He is the writer. Forgetting. Okay. Fifth chapter on page number 29. It's page number 29. It's okay. 50 marks English. Yeah. So let's discuss all these things in detail. But before we go to explain this in line by line, word by word, so before we do it, let's have a look on the overview of the chapter. The chapter in a nutshell, let us describe it. चलिए दोस्तों, हम लोग पहले इस जो हमारा जो chapter है forgetting, जो रॉबर्ट लिंड साहब ने लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसका थोड़ा ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर जो लिखा गया है, ये जो आपका फॉरगेटिंग है, भूलना जो है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये जो रॉबर्ट लिंड साहब हैं ये कहना चाहते हैं कि एक जो भूलना है दोस्तों, ये ह्यूमन कैपेसिटी में या एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अब रही बात ह्यूमन टेंडेंसी, तो किस किस तरह की टेंडेंसी होती है लोगों की, भूलना, जहाँ तक भूलना कंसर्न है, आज के ज़माने में अगर हम देखें दोस्तों, तो हम बहुत सारी चीज़ों को भूलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहती हैं, तो हम भूलते किस चीज़ को हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई बैनर देखा, हम लोगों ने देखा, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने एक नज़र डाला, बस पढ़ा कि क्या चीज़ है, और लेटर ऑन हम उसको भूल जाते हैं। तो हमको कम्प्लीटली याद नहीं रहता है, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमको जिस बात की ज़रूरत है, वो बात तो हमको याद रहती है। आज के ज़माने में अगर ऐसा कहा जाए कि जो मॉडर्न मैन है, आज का जो आधुनिक व्यक्ति है, उसको उसकी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा होती है, ऐसा भी नहीं है। आज देखिए, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस आ गए, जितनी भी चीज़ें आ गई, तो इंसान को किसी का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता याद, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ये जो डिवाइस है, उसमें मेरा उसका जो नंबर है, एड्रेस है वगैरह, सब सेव किया हुआ है। हम एक क्लिक करेंगे, सब कुछ हमारे सामने हाजिर हो जाएगा, तो याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये तो लेकिन भूलना है ये भूलने की बात कहाँ आती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ी लोगों को ज़्यादा, ये जो रॉबर्ट लिंड साहब हैं, इसके अनुसार खिलाड़ी लोगों को ज़्यादा भूलने की टेंडेंसी होती है, जो लोग खिलाड़ी होते हैं। जैसे वो एक खेल की दुनिया में रहते हैं, एक अजीब सी दुनिया में वो लोग अपना रहते हैं। मान लो मैदान में खेलने गए, तो जो भी चूँ ने अपना बहादुरी दिखाया, या जो उससे मिस हुआ, तो उन गलतियों में और अपने अपने जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको याद करने में वो रह जाते हैं। उनका बैट बल्ला जो भी है, अगर वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो वो उसका छूट जाता है, जनरली ऐसा होता है। और स्टेट्समैन जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो जितने भी वादा करते हैं, वो उसको एक भी याद नहीं रहता, वो उसको, चूँकि वो उसको फुलफ़िल करने के लिए वो उस वादे को करता ही नहीं है। तो जब वो उस वादे का फुलफ़िलमेंट नहीं होगा, वो कमिटेड नहीं होगा, तो यकीन माने दोस्तों, वो जो है डेफिनेटली उसको भूल जाएगा। तो यही रॉबर्ट लिंड साहब कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो खिलाड़ी लोग हैं, ये जल्दी ही किसी चीज़ को ये लोग भूल जाते हैं। अब ये फॉरगेटिंग, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी जब लोग दवाइयाँ लेते हैं ना, कुछ दवाइयों को लेते हैं, तो वो भूल जाते हैं दवाइयों को लेना, या फिर वो जानबूझकर दवाई को, या फिर वो किसी गोली को या किसी पिल्स को हेट करते हैं, वो खाना नहीं चाहते, तो उस तरह से भी वो खाना उसको नहीं चाहते। बहुत बार हम लोग स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं, तो क्या होता है कि हम पेन भूल जाते हैं या कुछ चीज़ भूल जाते हैं, इस तरह से। तो ये फॉरगेटिंग हुआ, लेकिन चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं कि आखिर ये फॉरगेटिंग है क्या चीज़, लो रॉबर्ट लिंड साहब क्या कहना चाहते हैं। ये तो चैप्टर का एक ओवरव्यू था कि
किस तरह से फॉरगेटिंग के बारे में जो हम लोग अभी जो बात किए, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली फॉरगेटिंग मीन्स भूलना। तो इंसान को भूलने की टेंडेंसी, या इंसान भूलता कब है उसी चीज़ के बारे में, या जानबूझकर भूलता है, या वो कुछ और चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, या वो अब्सेंट माइंड होता है, अब्सेंट माइंडेडनेस जब उस पर हावी हो जाता है तब वो भूल जाता है। सही बात है, जब हम किसी बात में खोए रहेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे, तो जो बात हमको करनी होगी हम वो भूल जाएंगे। मान लीजिए हमको किसी स्टेशन पे ट्रेन से उतरना है, अब हम खो गए अपने पास्ट की दुनिया में या अपने डे ड्रीम्स में खो गए, तो वहाँ सोचते सोचते कैसा होता है कि स्टेशन आता है और वो गाड़ी जो ट्रेन है वहाँ से चली जाती है और फिर हम रह जाते हैं। तो कभी कभी ये भूलने को कई तरह के भूलने को रॉबर्ट लिन साहब ने अपनी किताब में, इस स्टोरी में जो भी एसे है इसमें दर्शाया है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कर लेते हैं। आप इस बुक को ले लीजिए सामने, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कीजिए, तभी जाकर आपको ये बातें समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ऑन पेज नंबर 29, फॉरगेटिंग चैप्टर 5, रॉबर्ट लिंड ने लिखा है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बाय रेलवे ट्रैवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन has been published. कह रही क्या, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ये जो सामान है ना, सामान की एक सूची है, जो वो सामान जो खो गया है, लॉस्ट आर्टिकल्स मतलब सामान खो गया है। किसका सामान खोया है? बाय रेलवे ट्रैवलर्स, उन यात्रियों का जो लोग रेल के द्वारा सफ़र करते हैं। एक सामानों की सूची है और वही सूची इज नाउ ऑन सेल, बिक्री पे लगा हुआ है, सेल में लगा। आप लोग सेल जानते हैं दोस्तों, कभी जूतों का सेल लगता है, कभी पैंट्स का सेल जानते हैं आप लोग, सेल किस तरह से लगता है मार्केट्स में या किसी भी जगह पर मेलों में जब सेल लगता है तो किसी पर्टिकुलर ये प्राइस पे, दाम पे हर चीज़ें मिल जाती हैं, इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो रेल में जितने यात्री सफ़र कर रहे होते हैं उसके द्वारा छोड़े गए सामान की एक लिस्ट है, वही लिस्ट अब सेल पर लगा, वही जो सामान है सारे के सारे वो कहाँ लगा हुआ है? सेल पर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? एट ग्रेट लंदन स्टेशन, लंदन स्टेशन जो हमारा ग्रेट लंदन स्टेशन है वहाँ पर ये लगा हुआ है। हैज़ बीन पब्लिश्ड, और ये न्यूज़ जो है वो छपा है किसी पेपर में, अखबार में छपा है, तभी तो लोगों को पता लगा है ना। एंड मैनी पीपल हु रेड इट, और जितने लोगों ने छपे हुए न्यूज़ को पढ़ा है, हैव बीन एस्टोनिश्ड, अचंभित हो गए, बिल्कुल एस्टोनिश मैंने होता अचंभा होना, अचंभित हो गए एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, फेलोज मैंने साथी, अपने साथियों का absent-mindedness मीन्स उसके दिमाग की वो वहाँ मौजूद नहीं है, absent mind है उसका, माइंड वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे absent mindedness अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, अपने यंग लोगों के, अपने जैसे लोगों के absent mindedness मतलब उसका दिमाग जो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उस बात पर ये लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, अचंभा में पड़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें जो यात्रियों ने ट्रेन में छोड़ा था उसका सेल लगा है, वो भी ग्रेट लंदन स्टेशन पर। कहानी बगल में आ गई। ओके, इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, कहते यदि सांख्यिकीय अभिलेख, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय रिकॉर्ड्स में अभिलेख, यदि सांख्यिकीय अभिलेख अगर मौजूद हो, आर अवेलेबल अगर दस्तयाब हो, उपलब्ध हो, ऑन द सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर अगर ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड अगर मौजूद हो, हाइवर जैसा कि आई डाउट, जैसा कि मुझे संदेह है, आई डाउट मुझे संदेह है, वेदर इट वुड बी फाउंड दैट absent mindedness इज कॉमन। तो कहता है कि अगर नो हाइवर, जैसा कि आई डाउट मुझे शक है कि वेदर इट वुड बी फाउंड
दैट absent माइंडेडनेस इज कॉमन. क्या ऐसा पता चलेगा क्या? अगर मुझे शक है कि ऐसा पता चलेगा कि लोगों में ये जो absent माइंडेडनेस है, ये जो कहीं बैठे हैं और दिमाग वहीं पर होना चाहिए ऐसा नहीं है, डे ड्रीमिंग है कि कहीं किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या हर इंसान में कॉमन है? ये आम बात है क्या? वही बात करें, इज इट द एफिशिएंसी रादर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी. क्या ये एफिशिएंसी है, योग्यता है, क्वालिटी है? क्या ये क्वालिटी है? क्या ये इनएफिशिएंसी अयोग्यता है ऑफ ह्यूमन मेमोरी, इंसान के याददाश्त का, मेमोरी का? क्या ये योग्यता है, एफिशिएंसी है, क्या क्या ये क्वालिटी है, या ये क्वालिटी अवगुण है या सद्गुण है? आखिर यह है क्या चीज़ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माय वंडर, जो कि हमें मजबूर करता है सोचने के लिए. माय वंडर, वंडर. मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स. कहते हैं कि आज का जो आधुनिक इंसान है वो उनको तो टेलीफोन नंबर तक याद रहता है. ही रिमेंबर्स दैट एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड्स. उसको, आज के आधुनिक इंसान को, उसको अपने दोस्तों के टेलीफोन नंबर्स भी याद रहते हैं. ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ बर्थडेज. वो जितने भी बर्थडेज आते हैं, जितने भी जन्मदिन आते हैं, सबके तारीख, सबके दिनांक, सबकी तिथियां याद होती हैं. ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स. वो तो अपॉइंटमेंट्स को भी याद रखता है. दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स कहते हैं जब हम किसी इंसान से, बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, तो उससे हमको पहले हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि हम आपसे इतने बजे मिलेंगे. तो ये बोलता है कि जितने भी कोई काम पहले करना होता है, उसका पहले वो जो लिस्ट बनी होती है, उसी को हम लोग अपॉइंटमेंट्स कहते हैं. ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स. उनको अपॉइंटमेंट्स भी याद रहते हैं फॉर लंच एंड डिनर. कब डिनर करना है, कहाँ डिनर करना है, कहाँ लंच करना है, सारी की सारी बातें उसको याद रहती हैं आज के मॉडर्न मैन को. हिज मेमोरी इज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो हाफिजा है, पूरी तरह से भरी होती है, क्राउडेड होती है, एकदम फुल होता है किनके? एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, हीरोज़ और हीरोइंस के नामों से. एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स के नामों से. एंड मर्डरर्स और हथियारों के नामों से. मामला क्लियर है? ओके. He can tell you what the weather was like in a long past year. वो आपको ये भी अपनी मेमोरी से बता सकते हैं, अपनी याददाश्त से, अपने स्मरण शक्ति से बता सकते हैं कि वेदर, और जो एक जो लंबा जो साल गुजरा है, वो जो पिछले साल था, लॉन्ग पास्ट ईयर में, वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का जो मौसम था, वो किस तरह का था, उसको याद रहता है कि इस साल का जो मौसम था वो कैसा था. ओके, गेटिंग? एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड ए वाइल मील ड्यूरिंग द समर. और कहता है कि वो प्रांतीय होटल, एक ऐसा होटल जो रोड साइड में होता है, प्रांतीय होटल, छोटे मोटे इसमें जगह में होता है. एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, प्रांतीय होटल के बारे में भी जानता है. एट विच ही हैड ए वाइल मील, जहाँ कि उसने खाना खाया था, बहुत ही अच्छा खाना नहीं था, लो क्वालिटी का. वाइल, VILE, वाइल, वाइल मीन्स लो क्वालिटी का, डिस्पिकेबल, जो खाना खाया ना जा सके. हाँ, वो जो खाना खाया था, वो जो वाइल मील खाया था ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दौरान, गर्मी के मौसम के दौरान जो उसने गंदा खाना खाया था उस प्रोविंशियल होटल में, वो उस चीज़ को नहीं बोला, फॉरगेट नहीं किया, उसको याद है. इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, उनके सामान्य जीवन में. अगेन, फिर ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वो करीब करीब हर चीज़ को, हर बात को याद रखता है. दैट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जो कि उससे उम्मीद किया जाता है, आशा की जाती है कि वो याद रखेगा, वो सारी बातें वो याद रखता है. एक कॉमन मैन. क्लियर है? ओके. हाउ मेनी मैन इन ऑल लंडन फॉरगेट सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग. कहते कितने ऐसे लोग हैं लंदन में,
कितने ऐसे लोग हैं जो एक सिंगल क्लोथिंग अपना जो पहनते हैं उसको भूल जाते हैं, कितने कपड़े भूल जाते हैं व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वो अपने क्लोथिंग को जो 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 कपड़ों को है वो मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए पहनते हैं तो कितने कपड़ों को भूल जाते हैं। क्या वो पैंट भूल जाते, क्या वो टाई भूल जाते, क्या वो शर्ट भूल जाते, क्या वो अंडरवियर भूल जाते, आखिर भूलते क्या हैं, क्या भूलते हैं? वही कहते हैं कि इन हाउ मेनी मैन इन ऑल लंडन फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। सवाल कर रहा है क्या मॉर्निंग में जो वो लोग क्लोथिंग करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो क्या उनमें से कोई एक कपड़ा वो लोग भूलते हैं क्या? नॉट वन इन हंड्रेड। कहते 100 में अगर बात करें तो उसमें एक भी हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने कपड़ों को भूल जाता होगा। पैंट पहन लिया, अंडरवेयर नहीं पहना, शर्ट पहन लिया और बनियान नहीं पहना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। 100 में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। ओके सिंग कहाँ चला गया? ओके फॉर सिंगल आइटम 100, वो नॉट वन इन 100, परहैप्स शायद कि नॉट वन इन 10,000, 10,000 में भी आपको एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी क्लोथिंग को सुबह सुबह भूल जाता होगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर। कितने ऐसे लोग मिलते होंगे जो अपने घर का फ्रंट जो 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 बड़ा वाला दरवाज़ा होता है, फ्रंट वाला डोर होता है, उसको बंद करना भूल जाता होगा। ओके व्हेन लीविंग द हाउस, जब वो घर को छोड़ रहा होगा तो मेन गेट को लॉक करना भूल जाता होगा। कितने ऐसे आदमी होंगे? स्कैसली मोर, कहते हार्डली, बहुत ज़्यादा, मुश्किल से ज़्यादा। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और इसी तरह से गोज ऑन, इस तरह से दिन भर का जो ये काम है इस तरह चलता रहता है। ऑलमोस्ट एवरी बॉडी, कहता कि लगभग हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग, जो कि रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग, वो कुछ सही चीज़ को, राइट चीज़ को जो कि वो करना चाहते हैं उसको याद रहता है। रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट, वो राइट सही समय पर सही काम को उसको याद रहता है करने के लिए। टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि वो अपने बिस्तर पे ना चला जाए सोने के लिए, उससे पहले राइट टाइम पर राइट काम को करना उस सबको याद रहता है। ओके एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स। कहता है कि तब एक नॉर्मल सा इंसान, नॉर्मल सा आदमी, एक मामूली आदमी कभी नहीं भूलता, मुश्किल से ही भूलता है, मतलब कभी नहीं भूलता टू टर्न ऑफ द लाइट्स, जो लाइट्स को बंद कर दे अपस्टेयर्स, ऊपर जाने से पहले, मींस पहली मंजिल में जाने से पहले वो नीचे की मंजिल का लाइट बंद करना बिल्कुल भी नहीं भूलता है। अपस्टेयर्स मैंने ऊपर, डाउन स्टेयर्स मैंने नहीं, ऊपर से नीचे को आना डाउन स्टेयर्स, नीचे से ऊपर को जाना अपस्टेयर्स, मैंने ऊपर ऊपर को जाना जीने से। पहला पैराग्राफ, देर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसा माना जाना, ये बिल्कुल माना जाना चाहिए, एडमिट मैंने मानना, ऐसा माना जाना चाहिए कि देर आर सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। कहता है कि कभी कभी ये बिल्कुल माना जाना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सम मैटर्स इन रिगार्ड, कुछ ऐसी बातें हैं इन रिगार्ड टू विच, जिनके संबंधित है ना मेमोरी वर्क्स, मेमोरी जो है हमारा जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, वो काम करता है विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, जो हर दिन जैसे परफेक्टली काम करता है तो इस तरह से क्या होता है कभी कभार उससे थोड़ा कम काम करता है ना, विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, जो यूजुअल जो हर दिन का जो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो काम करता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे थोड़ा सा कम काम करता है, कौन, उसकी मेमोरी। ओके इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, कहता ये सिर्फ एक सिस्टमेटिक आदमी ही बता सकता है, मेथोडिकल सिस्टमेटिक आदमी ही बता सकता है। आई इमेजिन, अगर मैं कल्पना करूँ, मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन, कौन ऐसा है हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो कि याद रखता है, हमेशा याद रखता है टू टेक द मेडिसिन His doctor has prescribed, जो अपने मेडिसिन को
लेता है जो कि उसको डॉक्टर ने क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब मैंने लिखना, ओके ठीक। द मेडिसिन हिज डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब फॉर हिम, उसके लिए जो दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है क्या वो उसको भूलता है, क्या उसको लेना भूल जाता है, क्या उसको याद नहीं रहता है, पूरी तरह से याद रहता है, क्लियर है, गुड। एज ए रूल, अगर नियम की तरह, इट इज सपोज्ड, ये मान लिया जाए, टू बी टेकन बिफोर, इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, एक रूल है, जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो क्या करता है, ऐसा माना जाता है कि उस दवाई को या तो खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, या ड्यूरिंग खाने के दरमियान लेना है, तीन बातें हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, एंड द मील इट्सेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, और मील, वो जो दवा का लेना है, जब हम खाना खाते भोजन करते तो भोजन का करना ही ये हमको याद दिला देता है कि हमको दवा कब खाना है, हमको मेडिसिन कब लेना है, पहले लेना है, उसके बीच में लेना है, या बाद में लेना है, क्लियर है, ओके ओके। मिलियम को रिमाइंडर रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, ओके। द फैक्ट रिमेन्स, वो जो सच्चाई है, वो जो फैक्ट है रहता है, हाउएवर दैट फ्यू ऑफ अस, जैसा कि कुछ हम में से कुछ लोग रिमेंबर टू टेक आवर मेडिसिन रेगुलरली, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने मेडिसिन को रेगुलरली बिल्कुल नियमित रूप से लेते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट्स, कुछ सर्टेन लोग, कुछ निश्चित जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, टेल अस, हमें कहते हैं, दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज, कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उसको भूलना चाहते हैं। आजकल के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग कहते हैं कि हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको भूलना चाहते हैं, एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिसलाइक फॉर द पिल्स एंड मेडिसिंस, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो उस मेडिसिंस को लेना, पिल्स मैंने गोली को लेना डिसलाइक करता है, उसको पसंद नहीं करता है मेडिसिंस को लेना, इसलिए वो भूल जाता है। दैट मेनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, बहुत सारे लोग इस तरह से, जो कि टाइम फिक्स होता है लेने का, उस अपॉइंटेड टाइम पे लेना वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है, फेल टू रिमेंबर, वो याद करने से नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, क्लियर है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर हाउ, ये पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है, जाहिर नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है, क्या प्रकट नहीं करता है, हाउएवर हाउ इट इज़ दैट ए लाइफ लॉन्ग टेकर ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज़ ए फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली। तो कहता है कि किस तरह से एक जो लाइफ भर, जिंदगी भर किसी भी दवाई को, मेडिसिन को लेने वाला किस तरह से भूल सकता है इस चीज़ को। वो ऑथर खुद कह रहे हैं कि लाइक माई सेल्फ, अगर मुझे ही देखो, अगर मैं जैसा हूँ, चूँकि मुझे ज़िंदगी भर किसी मेडिसिन को लेना पड़ रहा है, तो क्या ये जो फॉरगेटफुल है, फुलनेस है, जो हम भूल जाते हैं, क्या ये ज़्यादा है क्या हम भूल जाते हैं क्योंकि वो दवाई हमको रेगुलरली लेना है। तो जो टेक मोस्ट दे मोस्ट अनविलिंगली, और कुछ लोग बिल्कुल ना चाहते हुए भी अनविलिंगली, एकदम नहीं चाहते हैं और वो लेते हैं। दो जो टेक द मोस्ट अनविलिंगली, बिल्कुल ना चाहते हुए इसको लेते हैं, तो क्या उससे हम जो हर दिन लेता है उसको नहीं समझे, मतलब कुछ लोग लेना नहीं चाहते फिर भी वो लेते हैं, अब कुछ लोग हर दिन उसको लेना ही है तो वो किस तरह से भूलेगा इस चीज़ को, वो तो भूल नहीं पाएगा ना। तो ही बोल रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर अनविलिंगली इसको लेते हैं, जानबूझकर लेते हैं, अनविलिंगली लेते हैं, ना चाहते हुए भी लेते हैं, लेकिन कहाँ चला गया, हाँ, मेडिसिन मे टेक लाइक माई सेल्फ इज फॉरगेटफुल ऑफ देम, तो किस तरह से भूल सकता है वो, उसको भूल नहीं सकता, क्लियर। द वेरी आइडिया ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड
क्योर ऑल डिलाइट्स में, कहते कि जो नया जो आइडिया है, ये जो द वेरी आइडिया ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर ऑल डिलाइट्स में, कहते ये जो बहुत ये जो वेरी वेरी मीन्स वही जो आइडिया है कि ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज, एक नया और वाइडली काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया गया हो, काफ़ी जिसका प्रचार किया गया हो, काफ़ी जिसका एडवर्टाइजमेंट किया गया हो, क्योर ऑल, जो हर बीमारी की दवा हो, क्योर ऑल डिलाइट्स मी, मुझे सुख देता है, मुझे खुशी देता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑथर कहते हैं कि ये जो एक आइडिया है कि ये हर बीमारी का इलाज है क्योर ऑल, तो ये जो क्योर ऑल वाली बात है, ये जो आइडिया है, ये जो सोच है, हमको क्या करता है, जो कि वाइडली एडवर्टाइज किया गया है, अच्छी तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, उसका प्रचार प्रसार हुआ है, तो ये जो आइडिया है हमें भी अच्छा लगा है, हमें भी ये जो आइडिया है अच्छा लगा है, हम भी इसको हमको भी इससे डिलाइट मिला, खुशी मिली है। येट लेकिन फिर भी, इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, कहते कि येट तब भी अगर मेरे पॉकेट में मेडिसिन का स्टफ रखा हुआ है, पॉकेट में रखा हुआ है, ओके इन माई पॉकेट्स, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आवर अप्रोचेज एट विच आई ऑट टू स्वेलो इट, कहते कि मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके विषय में, इसके बारे में भूल जाता हूँ, जैसे ही एज सून एज, जितनी जल्दी द आवर अप्रोचेज, वो जो घंटा है, वो जो घड़ी है जब हमको दवाई लेनी होती है, जैसे पहुंचती है, स्वेलो मैंने निगलना, दोस्तों हम लोग दवाई को निगल लेते हैं, पानी पीते हैं फिर, है ना, उसी तरह से जब हमको स्वेलो करना होता है ना, हमको जब स्वेलो करना चाहिए, हमको जब मेडिसिन लेना चाहिए, जब हमको पिल्स लेना चाहिए, तो क्या होता है, हम लोग उसको भूल जाते हैं, हालांकि वो दवाई का पैकेट स्टफ पॉकेट में होता है, लेकिन जैसे दवाई लेने का वक्त आता है, हम उसको लेना भूल जाते हैं। कौन कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं। क्लियर है? ओके। केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्च्यून आउट ऑफ द मेडिसिंस पीपल फॉरगेट टू टेक, कहता है कि जो केमिस्ट लोग हैं, जो लोग दवा बेचते हैं, ये जो अपना पैसा कमाते हैं, अपना फॉर्च्यून मैंने किस्मत जो बदलते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं, किस तरह कमाते हैं, उन्हीं मेडिसिन पे कमाते हैं ना जिनको बेचते हैं, लेकिन लोग उसको लेना भूल जाते हैं। क्लियर है? ओके अगला पैरा, तो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कहता सबसे आम जो रूप है भूलने का भुलक्करपन का, क्या है? आई सपोज, मैं मानता हूँ, अकर्स इन पोस्टिंग लेटर्स, लेटर को पोस्ट करने में होता, सबसे कॉमन भूल जो लोग भूल जाते हैं वो लेटर्स को पोस्ट करना, मीन्स चिट्ठियों को डाक इसमें पोस्ट के उसमें बॉक्स में लेटर बॉक्स में पोस्ट बॉक्स में डालना सबसे कॉमन भूल है। इट इज़ सो कॉमन दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, कहते इट इज़ सो कॉमन, इतना कॉमन है, इतना आम बात है कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट, मैं हमेशा रिलक्टेंट रहता हूँ, मीन्स मैं मतलब सहमत नहीं रहता हूँ, रिलक्टेंट मैं अनविलिंग रहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ टू ट्रस्ट ए डिपार्टिंग विजिटर, मैं जो इंसान हमसे अलग हो रहा है, हमसे जा रहा है दूसरी तरफ या बॉक्स की तरफ जा रहा है जहाँ लेटर को डालना होता है, तो हमको उस पर यकीन नहीं होता है, जानबूझकर भी यकीन नहीं होता है, हाँ, टू ट्रस्ट ए डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, मेरा कोई इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत खास लेटर है, उसको पोस्ट करना है, तो अगर कोई जा रहा है उस तरफ तो हमको उस पर ज़रा भी यकीन नहीं होता है कि हम वो मेरा लेटर पोस्ट कर देगा, हमको यकीन नहीं है। कौन बोल रहे? रॉबर्ट लिंड साहब बोल रहे। क्लियर? So little do I rely on his memory and I make him promise before handing the letter to him. चूँकि so little do I rely, कहते बहुत कम, बहुत थोड़ा मैं उस पर यकीन करता हूँ, on his memory, उनके स्मरण शक्ति पे, उनके याददाश्त पे मैं यकीन नहीं करता, मतलब बहुत कम यकीन करता हूँ, यकीन नहीं करता हूँ, that
आई मेक हिम प्रोमिस, और मैं उसको वादा करवाता हूँ कि वादा करो बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, इससे पहले कि मैं उसके हाथ में लेटर दूँ उससे मैं वादा करवाता हूँ, प्रॉमिस करवाता हूँ, प्रतिज्ञा करवाता हूँ कि तुम इसको वहाँ लेटर बॉक्स में डाल दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन पर यकीन करना बेकार है. क्लियर? ओके, गुड. एज फॉर माई सेल्फ, जे अगर मैं मेरी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ़ एनी वन आस्क मी टू कैरी द लेटर इन माई हैंड, अगर कोई मुझे कहे कि चलो ये लेटर ले आकर डाल देना लेटर बॉक्स में, अगर वो लेटर मेरे हाथ में है, इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट लेटर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड इट. आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट लेटर बॉक्स, जैसे मैं अपना जो पहला लेटर बॉक्स आता है हम वहाँ से गुजर जाते हैं. बिफोर आई रिमेंबर, उससे पहले ही मैं याद करता हूँ, रिमेंबर करता हूँ दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे ये पोस्ट कर देना चाहिए था. आउट टू हैव पोस्टेड इट, मुझे इसको पोस्ट कर देना चाहिए था. किसको? लेटर को. फर्स्ट लेटर बॉक्स आई रिमेंबर दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड इट, वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड. वेरी इस परेशान हो जाना, वेरिंग ऑफ होल्डिंग इन माई हैंड, कहता मैं अपने हाथ में पकड़े पकड़े उब जाता हूँ, थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ. आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इन टू वन ऑफ माई पॉकेट्स, तब मैं इस लेटर को क्या करता हूँ, सेफ्टी के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किसी पॉकेट में डाल देता हूँ. हाथ में रखे रखे मैं बोर हो जाता हूँ कि कब बॉक्स आएगा और कब हम उसको डाल देंगे, और एक बॉक्स आया भी चला भी गया, हम भूल गए, हमको याद नहीं रहा. क्लियर है? ओके. पॉकेट्स एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, जब हम उस लेटर को पॉकेट में रखते हैं हम उसके बारे में पूरी तरह भूल जाते हैं, फिर हमको वो याद नहीं रहता है. आफ्टर दैट, फिर उसके बाद, इट स्टेज देयर टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, फिर वो जो लेटर है काफ़ी दिनों तक, बहुत सारी परिस्थितियाँ हालात गुजरने के बाद भी वहीं उसी पॉकेट में रह जाता है. आफ्टर दैट, उसके बाद, इट स्टेज वो रहता है देयर, कहाँ, पॉकेट में, टिल लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे हालात सर्कमस्टांसेस चले जाते हैं लेकिन वो लेटर वहीं का वहीं पड़ा रहता है. लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्बेरसिंग क्वेश्चन बींग आस्ड, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, एम्बेरसिंग क्वेश्चंस, परेशान करने वाले क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि वो लेटर डाला नहीं डाला, क्या हुआ, अब तक मिला नहीं मिला, वगैरह. एम्बेरसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द लेटर फ्रॉम माय पॉकेट, और फिर क्या होता है, आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर कर दिया जाता हूँ, आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द लेटर, उस लेटर को बाहर निकालने में, प्रोड्यूस करने में मैं परेशान कर दिया जाता हूँ, है ना, फ्रॉम माई पॉकेट, मैं अपने पॉकेट से उस लेटर को बाहर निकाल देता हूँ. दिस इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जाना चाहिए कि ये मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये जो ऐसा हुआ बिल्कुल इंटरेस्ट की कमी के कारण हुआ. लेटर था, हमने डाला नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था ना, इंटरेस्ट होता तभी तो ले आके डालते ना, ये पूरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के कमी के कारण ये लेटर पोस्ट किया नहीं गया. इन अदर पीपल्स लेटर्स, कहते कि अगर दूसरे इंसान या दूसरे लोगों का लेटर मेरे पॉकेट में है तो रुचि नहीं है कि मैं उसको डालूं, वही बोल रहे, मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, बट ये व्याख्या तो सही नहीं है. फॉर I even forget to post some of the few letters that I myself remember to write. कहता है ये ऐसा नहीं है, व्याख्या ऐसा नहीं है. For I even forget, कहता मैं भी तो अपना लेटर भूल जाता हूँ ना. For I even forget to post some of the few letters, कहता कुछ लेटर्स को मैं भी तो पोस्ट करना भूल जाता हूँ ना, that I myself remember to write, जो कि मैं खुद लिखता हूँ मैं उसको भी पोस्ट करने के लिए कभी कभार भूल जाता हूँ. कौन कह रहे? रॉबर्ट लिन साहब. क्लियर? इन ट्रेन्स एंड टैक्सीज, अब आ रही बात कि कुछ लोग रेलगाड़ियों में और टैक्सीज में, आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनी थिंग एक्सेप्ट बुक्स, कहते कि मैं याद कर सकता हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनी थिंग,
कहते करीब करीब कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट बुक्स, किताबों को छोड़कर और वॉकिंग स्टिक्स, वो जो डंडा कुछ लोग बूढ़े लोग लेकर के चलते हैं ताकि वो गिर ना जाए, वो वॉकिंग स्टिक्स लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स। और कभी कभी तो मुझे इतना याद है कि किताबें भी मिल जाती हैं, छूट जाती हैं। वॉकिंग स्टिक्स भी आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। कहता है कि जो वॉकिंग स्टिक्स हैं, चलने वाली छड़ियाँ हैं, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। कहता बड़ा मुश्किल है, फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत एकदम पूरी तरह इम्पॉसिबल है, क्वाइट मैंने पूरी तरह इम्पॉसिबल असंभव है टू कीप, रखना इन जो स्टिक्स हैं इनको रखना बहुत बिल्कुल भी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम। कहता ये जो मेरा है ना पुराने ज़माने का एक ना ओल्ड फैशन पुरानी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है उसको रखना। किसको रखना? स्टिक्स को अपने हाथ में रखना अच्छा लगता। कौन बोल रहे? रॉबर्ट लिंड साहब बोल रहे कि उन स्टिक्स को अपने हाथ में मुझे रखना अच्छा लगता है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, एक मेरा अपना टेस्ट है उसको रखना, एंड आई बाय देम फ्रीक्वेंटली, और मैं कई बार फ्रीक्वेंटली बार बार उसको खरीदता हूँ कि इनको वॉकिंग स्टिक्स को। ओके, बट नो सूनर डू आई पे विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस। कहता है कि जैसे ही मैं विजिट पे करता हूँ, मतलब मैं अपने दोस्त के अगर उसको देखने के लिए जाता हूँ, और गो टू ए जर्नी और इन ए ट्रेन, और किसी सफ़र पे जाता हूँ ट्रेन पर, किसी सफ़र में जाता हूँ ट्रेन द्वारा, देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट। तब मेरे हाथ में कोई नया स्टिक होता है, क्योंकि वो पुराना स्टिक मैं भूल चुका होता हूँ, वो कहीं ना कहीं छूट गया होता है। क्लियर है? आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं एक छतरी साथ में लेकर जाऊँ, फॉर फेयर ऑफ लूजिंग, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे छूट जाएगा, खो जाएगा, फेयर ऑफ लूजिंग, खो देने के डर से। क्लियर है दोस्तों? हाँ, टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला। अगर मैं ज़िंदगी से होकर गुजरूँ, मेरी ज़िंदगी चले और ऐसा हो विदाउट एवर हैविंग, कि हमने कभी कोई अम्ब्रेला नहीं खोया हो, बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं ना कहीं तो छाता छूट ही गया होगा, है ना? हैज़ एवरी बॉडी एवर अचीव्ड दिस? क्या कभी किसी ने इसको, इस उपलब्धि को प्राप्त किया है कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई, छाता लेके कहीं गए और वो छाता उसे छूटा नहीं हो? कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पर उसकी छतरी उससे ज़रूर छूट गई होगी। क्लियर है दोस्तों? फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ लोग, हाउएवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। कहते हैं कि हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी मीन्स अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, हमारे जो सामान हैं, हमने बहुत सारे खोए हैं। क्यों खोए हैं? बस वही फॉरगेटफुलनेस की वजह से, भूल जाने की वजह से, भुलक्कड़पन की वजह से। हमने जब सफ़र किया है, हमने जब यात्रा किया है, तो बहुत बहुत तरह के सामान, बहुत तरह के आर्टिकल्स हम लोगों ने खोए हैं। तो ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन। कहता है कि एक मामूली सा इंसान, एक साधारण सा व्यक्ति, वो अपने मंजिल को पहुंचता है विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक सेफ। अपने सारे सामान लेकर के, सारे बैग्स लेके, सारे ट्रंक लेकर के बिल्कुल सुरक्षित रूप से अपनी जगह वो पहुंच जाता है, अपने मंजिल को पहुंच, अपने गंतव्य को पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द एयर। कहता साल भर में अगर हम उन सामानों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, जो कि ट्रेन्स में खोई हैं, लोगों का छूट गया है, खो गया है एक साल में, सजेस्ट दैट इट इज़ द यंग रादर देन द एडल्ट। कहता ये यंग लोग ज़्यादा होते हैं जो इस सामानों को छोड़ते हैं, यंग लोग, छोटे लोग ज़्यादा होते हैं, रादर देन द एडल्ट, वो लोग जो जवान होते हैं वो लोग कम छोड़ते हैं, हु फॉरगेट थिंग्स, जो थिंग्स को, चीज़ों को भूल जाते हैं। एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज। और वो जो स्पोर्ट्समैन है, वो जो खिलाड़ी लोग हैं, उसका तो सबसे गंदा मेमोरी होता है, उसका तो गंदी याददाश्त होती है, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं होती। वर्स माने गंदा, बहुत बुरा, वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज़।
तो कोई ऑर्डिनरी मैन होता है, सीरियस माइंडेड मतलब एक गंभीर सा इंसान होता है ऑर्डिनरी, वो खिलाड़ी नहीं होता है, तो वो उतना नहीं भूलता जितना खिलाड़ी लोग भूल जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भूल जाते हैं। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉलर फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स, कहता है एक बहुत ज़्यादा मात्रा, कंसिडरेबल एक सोचने योग्य है ना मात्रा, नंबर्स संख्या फुटबॉल्स का और क्रिकेट बैट्स का, फॉर इंस्टेंस उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के तौर पर वो वर फॉरगॉटन, वो जो भुलाए भुला दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे यात्रियों के द्वारा। दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है समझने के लिए। फॉर बॉयज़ रिटर्निंग फ्रॉम देयर गेम्स, वो उन लड़कों का जो लड़के अपने गेम खेलकर अपना खेल खेलकर वापस आ रहे होते हैं, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड, उनके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही होती हैं, भरी हुई होती हैं विद द विज़न ऑफ प्लेइंग फील्ड, वो जो उसका नज़रिया होता है, वो जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, वो जो अपने उस मैदान में जो खेला था, वही सारी बातें उसके दिमाग में भरी हुई होती हैं और वही बातें चल रही होती हैं। एंड द हेड आर अमंग द स्टार्स, और जो उनका जो सर है, उनकी जो सोच है एकदम स्टार्स में खो जाता है, ऐसा लगता है कि स्टार के बीच वो सोच रहा है। और देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स, और उनके दिल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल निकल चुके हैं, मतलब बहुत ही वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने ख्यालों में। कौन लोग? ये लोग जो खेल करके आ रहे होते हैं। एज दे कॉल देयर स्प्लॉइट्स और देयर एरर्स, चूँकि वो उस वक्त क्या करते हैं, अपने बहादुरी का काम, एक्सप्लॉइट्स, जो साहस वाला कार्य जो किया है मैदान में, छक्का मारा है, फील्डिंग किया है, कैच पकड़ा है, वगैरह वगैरह जो भी काम किया है, अगर क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें तो उसने गोल मारा है, प्लेंटी कॉर्नर लिया, जो भी लिया है, वो सारी बातें याद आती हैं, या उनने गलती कौन सी किया है मैदान में, एरर कौन सा किया है, त्रुटि क्या हो गई उससे, गलतियाँ क्या हो गई, तो वो उन्हीं का आकलन करता है कि मेरे अच्छे पॉइंट्स क्या थे, मेरे खराब पॉइंट्स क्या रहे, उन्हीं बातों में वो खोया रहता है। दे आर फॉरगेटफुल ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड देम, वो जो आसपास की दुनिया होती है उन बच्चों की, वो तो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और वीक पॉइंट्स को वो लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, आंकते हैं, और वो आसपास में जो दुनिया है उसको बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं। फॉरगेटफुल मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग, वो जो मेमोरीज हैं, वो जो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं फ्रॉम रिमेम्बरिंग, याद करने से रोकते हैं। टू डू सच स्मॉल प्रोजेक्ट थिंग्स एज टेकिंग द बॉल और द बैट, वो इतनी सारे हलचल उसके दिमाग में चलता रहता है कि उसको छोटी छोटी बातें, प्रोजेक्ट बने होता है दोस्तों ऑर्डिनरी मामूली, जो स्मॉल और मामूली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको लेना, वो लोग ऐसे बॉल को लेना, बैट को लेना, वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग भूल कर निकल लेते हैं अपने ख्यालों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उफ मैंने ऐसा छोड़ दिया, ओह मैंने ऐसा मारा, वगैरह वगैरह उनके दिमाग में चलता रहता है। ओके व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वो ट्रेन को छोड़ते हैं तो बॉल और बैट सबका सब उसका ट्रेन में ही छूट जाता है, क्योंकि वो प्री इंगेज होता है, पहले से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसका आकलन चल रहा होता है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या रहे, उसके वीक पॉइंट्स क्या रहे मैदान में। गुड। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी शेष दिन के लिए, दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड, खेलकर तो आते हैं सुबह सुबह, बाकी का जो दिन बच जाता है वो बिल्कुल वो एक ड्रीम लैंड, एक सपनों की दुनिया, ड्रीम मैंने सपना, लैंड मैंने धरती, एक सपनों की धरती के एक नागरिक बन जाते हैं, मतलब वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ओके द सेम मे बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है वही चीज़, नो डाउट कोई शक नहीं, ऑफ एंगलर्स हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, वो लोग जो मछली पकड़ते हैं, एंगलर्स जो मछली पकड़ते हैं, वो लोग भी इतने उतावले हो जाते हैं, इतने अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं कि वो अपने फिशिंग रॉड्स को जिससे वो मछली पकड़ते हैं उसको वो भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं।
एंग्लर्स आर जनरली सेड टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी एंग्लर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एंड मैन हु इज़ इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी, और वो वही लोग होते हैं जो शानदार झूठ बोलते हैं और जब वो सफ़र करते हैं, वो जब घर की तरफ आते हैं पूरा दिन का मछली पकड़ने के बाद जब वो घर की तरफ जाते हैं तो सबसे शानदार झूठ वही लोग बोलते हैं। जर्नी होम आफ्टर ए डेज फिशिंग इज़ बाउंड टू बी ए लिटिल absent mindedness इन their बिहेवियर, और वहाँ जो है उसको absent-mindedness घेर लेता है, उस पर हावी हो जाता है, उसको कब्ज़ा कर लेता है और वो आसपास की चीज़ों को ध्यान नहीं देता, उसको भूल जाता है, वो अपनी दुनिया में खो जाता है absent-mindedness के कारण। ओके, अगर हम खोए रहेंगे कहीं तो हमको आसपास क्या हो रहा है उसका पता तो नहीं होगा ना हमको, क्योंकि हम absent minded हैं, हम उस वक्त जहाँ पर मौजूद है हम वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्लियर है? आप समझ गए absent mindedness क्या होता है? absent mindedness प्रेजेंट माइंडेडनेस का ऑपोजिट। क्लियर? गुड। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन एज ही डेड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ फिशिंग रॉड्स ऑफ यूटोपिया। कहते हैं कि वो जो फिशिंग रॉड है जिससे मछली पकड़ते हैं, ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन, उसकी जो सच्चाई है उसकी जो असलियत है उसको वो लोग भूल जाते हैं, एज ही डेड्रीम्स, और वो दिन में ही सपने देखने लग जाते हैं ओवर द फीट्स ऑफ फिशिंग रॉड्स ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया के फिशिंग रॉड्स के बारे में उसके जो फीट्स हैं, उसके जो धैर्य का मतलब धैर्यपूर्ण जो कार्य हैं, फीट्स जो लोग अच्छे मतलब साहस वाले कार्य करते हैं, कुछ ऐसे अनोखे काम करते हैं, उसको फीट्स बोलते हैं दोस्तों, तो उसी की दुनिया में खो जाते हैं कि यूटोपिया का जो वो जो फिशिंग रॉड था उसी के बारे में सोच कर वो लोग बिल्कुल अपने आसपास की दुनिया को, रियलिटी को वो लोग भूल जाते हैं। कौन लोग? एंगलर्स मीन्स मछली पकड़ने वाले लोग, मल्ला लोग। क्लियर? ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, अपना इसी डे ड्रीमिंग में, इसी दिन का सपना देखने में अपने फिशिंग रॉड को जिससे वो मछली पकड़ता है उसको भी वो भूल सकता है। एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, जैसा कि एक पोएट अपने इसको लेटर को, खत को, पत्र को पोस्ट करने से भूल जाता है, बिकॉज हिज माइंड इज फील्ड विद मोर ग्लोरियस थिंग्स, क्योंकि उसका दिमाग जो है शानदार चीज़ों से भरा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ मन में आता रहता है, ताकि उसकी कविताएं, पोएम्स निकलती रहती हैं उससे, तो वो जो लेटर पोस्ट करने गया है किस तरह से उसको पोस्ट करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कोई दूसरी बात चल रही है। क्लियर ना? ग्लोरियस माने अच्छी अच्छी बातें, शानदार बातें। absent minded ऑफ दिस काइंड, कहते इस प्रकार का जो absent mindedness है, सीम्स टू मी ऑल बट ए वर्चू। कहते ये जो चीज़ है ना, absent mindedness होना भी एक वर्चू है, एक अच्छाई है। कैसे अच्छाई है भाई, देख लेते हैं हम लोग। द absent minded मैन इज ऑफन ए मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ। कहते एक absent minded मैन जो है वो अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट जी सकता है, बेस्ट मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का बेस्ट अच्छी तरह से वो जी सकता है, एंड देयरफॉर हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द प्रोजेक्ट थिंग्स, और वो इन छोटी मोटी चीज़ों को याद करने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता, हैज़ देयरफॉर नो टाइम, कोई टाइम नहीं है उसके पास टू रिमेंबर, याद करने के लिए द प्रोजेक्ट थिंग्स, छोटी मोटी मामूली ऑर्डिनरी चीज़ों को याद करने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में क्या रहता है, मगन रहता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेट्स और कॉलरिज टू पोस्ट ए लेटर, कौन ऐसा इंसान है जो सोक्रेट्स और कॉलरिज, हमारे हिस्ट्री के बड़े महान ऑथर्स हैं इंग्लिश के, कॉलरिज और सोक्रेट्स, कहते हैं कि ये हुड कौन उस पर ट्रस्ट करेगा कि ये लोग लेटर को पोस्ट कर दे, तो खोए रहते हैं अपनी दुनिया में,
कॉलरिज कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोक्रेट कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि वो लोग कोई लेटर पोस्ट कर पाएगा, भूल जाएगा। दे हैड ऑल थॉट्स अबाउट सच थिंग्स, कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए उसको उससे लेटर पोस्ट नहीं होगा, वो भूल जाएगा। तो क्वेश्चन वेदर द पोजिशन ऑफ ए गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल हैज often been discussed, and men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. लंबा सेंटेंस है, देख लेते हैं हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वेदर द पोजिशन ऑफ ए गुड मेमोरी, कहते हैं कि सवाल पैदा होता है, एक क्वेश्चन प्रश्न उठता है कि वेदर द पोजिशन ऑफ ए गुड मेमोरी, कि अगर कोई अच्छी याददाश्त, अच्छी स्मरण शक्ति को रखता है, प्रदर्श करता है, उसके पास है, तो क्या इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल, कि ये पहले से ऐसा डिजायरेबल है, मतलब डिजायर करना डिजायरेबल है। हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड, ऐसा कई बार इस बात को डिस्कस किया जा चुका है कई बार, कि भाई अगर कोई इंसान है, सवाल पैदा होता है कि अगर उसके पास गुड मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है, अच्छी मेमोरी रखता है, तो क्या वो ठीक है, is altogether desirable, has often been discussed, and men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. बहुत बार ऐसा होता है कि इस बात को तो डिस्कस किया गया है, और बहुत बार ऐसा होता है कि men with fallible memories, कुछ लोग जो फॉलिबल मेमोरीज, जिसके जो मेमोरीज हैं गिर जाते हैं, मतलब उसको याद नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं, हैव समटाइम्स, कभी कभी वो ट्राई टू मेक आउट, कभी कभी वो ट्राई करते हैं समझने के लिए, मेक आउट मैंने समझना, अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, वो सुपीरियरिटी मैंने होता है दोस्तों अपने आप को अच्छा फील, सुपर फील करना, सुपीरियरिटी ना, उसको सुपीरियरिटी फील करने के लिए अगर वो उसको भूल जाता है, तो वो अपने आप को समझता है कि वो सुपीरियर है ना। केस फॉर द कहाँ चला गया, मैन विद फॉलिबल मेमोरीज हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी। क्लियर है, अ मैन, एक इंसान, दे से वे कहते हैं, हु इज परफेक्ट, जो परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन इज सेल्डम ए मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस। एक इंसान ऐसा भी है क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम रिमेंबरिंग, एक बिल्कुल मशीन की तरह है, एक बिल्कुल मशीन की तरह वो याद रखता है, रिमेंबरिंग मशीन इज सेल्डम ए मैन, वो तो कभी इंसान ही नहीं है ना। अगर वो इंसान मशीन की तरह याद रखता है, तो वो इंसान कहाँ है, इंसान नहीं है ना, सेल्डम ए मैन, कभी भी इंसान नहीं है वो, ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, वो प्रथम बुद्धि का इंसान, इंटेलिजेंस का इंसान नहीं है, क्योंकि मशीन की तरह काम करना प्रथम इंटेलिजेंस नहीं है, फर्स्ट इंटेलिजेंस नहीं है। एंड दे कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन, और फिर वो कुछ बातों को कोट करते हैं, कहते हैं, मना भिन्न स्थितियों को, केसेस को, एग्जांपल्स को बताते हैं उन बच्चों के बारे में, और मैन उन आदमियों के बारे में, या उन आदमियों और बच्चों के बारे में जो हैड मार्वेलस मेमोरीज, जिनकी जो मेमोरीज हैं, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, मार्वेलस, एंड हु येट हैड नो ग्रेट इंटेलेक्ट, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है, येट हैड नो ग्रेट इंटेलेक्ट, उनके पास कोई बड़ी बुद्धि, ज़्यादा ग्रेट इंटेलेक्ट, जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, इंटेलेक्चुअल वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि उसको मेमोरी जो पावर है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मेमोरी बहुत अच्छा है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्लियर है, मेमोरी अच्छा है, तो मेमोरी का अच्छा होना जरूरी नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल भी होगा, क्लियर। आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, हाउएवर दैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मेन विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ मेमोरी। मैं इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जैसा कि दैट ऑन द होल, अगर हम
एज ए होल लें द ग्रेट राइटर्स, बड़े बड़े महान महान जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक के जो बड़े बड़े कंपोजर्स हैं, म्यूजिक मतलब संगीत के जो बड़े बड़े कंपोजर्स हैं, वो लोग हैव बीन मैन, वो भी तो इंसान है ना, विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ मेमोरी, उनके पास अत्यधिक एक्सेप्शनल, अत्यधिक बहुत ज़्यादा, एकदम सोच से भी ज़्यादा उसके पास मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है. द पोएट आई हैव नोन हैव हैड बेटर मेमोरीज देन द बिजनेसमैन. आई हैव नोन, कहते कि मैं किसी पोएट को अगर जानता हूँ और मैं किसी बिजनेसमैन को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पोएट का जो याददाश्त होगा, उसकी जो स्मरण शक्ति होगी, बिजनेसमैन से ज़्यादा अच्छी होगी. मेमोरी इंडीड, कहते कि ये जो याददाश्त है, ये जो स्मरण शक्ति है, सच में इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट. कहता है कि उनकी जो आर्ट है, उनके पास जो कला है, है ना हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट, उनकी कला का आधा पार्ट है, आधा चीज है, हाफ द सब्सटेंस, है ना. मतलब ये जो मेमोरी है, वो सच में अगर देखा जाए तो उसकी कला का वो हाफ है, आधा है. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें, देखें स्टेट्समैन, वो जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सीम टू हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैड मेमोरीज. अत्यधिक उसके पास बड़े ख़राब मेमोरीज होते हैं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं. अच्छी मेमोरी उनकी नहीं होती, किसकी? पॉलिटिशियंस की, राजनेताओं की. क्लियर? ओके. लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट. अगर मैं दो राजनेताओं को सेम बात याद करने के लिए बोलूं, रिकॉल करने के लिए अगर मैं बोलूं, ओके, लेट टू स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, उसी एक घटना को अगर दो लोग, दो राजनेता अगर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, व्हाट हैपेंड, तब क्या होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण स्वरूप, एट सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग, किसी इम्पॉर्टेंट, किसी खास मीटिंग में, एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू, और दोनों में से प्रत्येक आपको कहेगा, दैट द अदर्स स्टोरी इज इनएक्यूरेट, कि दूसरे आदमी, दूसरा जो पॉलिटिशियन है, उसका जो वक्तव्य है, उसका जो कथन है, वह सही नहीं है. बात समझ में आई? दो लोग, दो पॉलिटिशियंस, दो राजनेता सेम इवेंट को जब वो डिस्कस करेंगे, तो वो कहेंगे कि वो वाला झूठ बोल रहा है, वो वाला झूठ बोल रहा है, जबकि इवेंट एक ही है. क्लियर है? उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है. लास्ट पैरा, एट द सेम टाइम, उसी वक्त ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी इज सो कॉमन डेट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज एक्सेंट्रिक. कहता है कि उसी वक्त, एट द सेम टाइम, ऑर्डिनरीली, आमतौर पर, नॉर्मली, गुड मेमोरी इज सो कॉमन, अच्छे जो याददाश्त है, वो इतना कॉमन हो गया, इतना आम हो गया है, कि वी रिगार्ड अ मैन, हम एक इंसान को रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, कैसे, हु डज नॉट पजेस इट एज एक्सेंट्रिक, जो जिसके पास ये मेमोरी नहीं होती है, हु डज नॉट पजेस इट एज एक्सेंट्रिक. झक्की बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं. ऑलरेडी गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज एक्सेंट्रिक. मतलब किसी के पास अगर गुड मेमोरी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक्सेंट्रिक है, झक्की है, पागल है. किसी आदमी के पास अगर नहीं है, क्लियर है, आज गुड मेमोरी इतना कॉमन हो गया, अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, झक्की है, एक्सेंट्रिक है. आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर, आपको पता है, वो कहते हैं कि मैंने एक बाप के बारे में सुना है, एक पिता के बारे में सुना है, हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन ए प्राम. कहता है कि अपने बेबी को, अपने छोटे बच्चे को, वो जो प्राम होता है दोस्तों, जिसमें बच्चे को लिटा करके, धकेल करके ले आते हैं, उसको हम लोग प्राम बोलते हैं, तो प्राम में अपने बेबी को ले गया, वो छोटे बच्चे को. वाज टेम्प्टेड बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी एंड स्लिप इनटू ए
पब्लिक हाउस फॉर ए ग्लास ऑफ बियर। वो जो बाप है जो अपने बच्चे को लेकर के जाता है ट्राम पे, सॉरी इसमें प्राम पे, तो उसको लालच आ जाती है, वॉज टेम्पटेड, लालच आता है बाय द सनी मॉर्निंग। इंग्लैंड में जो होता है सनी मॉर्निंग, तो जो ऐसा मॉर्निंग था कि धूप निकली हुई थी, है ना, तो वो रुक जाता है टू पॉज ऑन इज जर्नी, वो अपने सफ़र को रोक देता है, वहीं रुक जाता है, अपने बच्चे को भी रोक देता है, एंड स्लिप इन टू ए पब्लिक हाउस, और एक पब्लिक हाउस में घुस जाता है, पब्लिक हाउस में चला जहाँ आम लोग होते हैं, फॉर ए ग्लास ऑफ बियर, वो एक ग्लास बियर पीने के लिए पब्लिक हाउस में चला जाता है, अपने बच्चे को छोड़कर बाहर, पब्लिक हाउस के बाहर अपने बच्चे को, उस प्राम को रोक देता है और वो अंदर चला जाता है बियर पीने के लिए, लिविंग द प्राम आउटसाइड। वो प्राम को जो पब्लिक हाउस के बाहर था उसको छोड़ देता है, ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द बार, और वो बार के वो जो बार था जहाँ वो बियर पीने गया था उसके डोर से वो चला जाता है, वो गायब हो जाता है, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, ये लेटर का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है, LATER होगा लेटर, हाँ, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, उसकी पत्नी को कुछ न कुछ शॉपिंग करना होगा, कुछ लेना होगा, तो वो उधर से गुजर रहा था, विच टू कर पास द पब्लिक हाउस, उसी पब्लिक हाउस के सामने से गुजर रहा था, गुजर रही थी, वेयर टू हर हॉरर शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उत्तरी उसने अपने स्लीपिंग बेबी को देख कर वो डर गई, हॉरर में आ गई, उत्तरी मेरा बच्चा यहाँ सो रहा है, कौन लाया इसको, उत्तरी बहुत परेशान हो गई वो, एंग्री एट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, एंग्री अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर, उसके इस आदत पर, उसके इस जो काम किया था उस, बहुत उसको गुस्सा आया उस लेडी को, सी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, उसने फैसला किया कि अपने पति को वो क्या करेगा, एक सबक सिखाएगी। सी व्हील्ड अवे द प्राम, वो प्राम को लेकर चली गई, पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गोन। ओके, पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट, जब वो वापस आएगा एंड फाइंड द बेबी गोन, और जब घर में उसको बच्चा नहीं मिलेगा तब उसको वो क्या करेगा, टेरर, वो डर जाएगा, टेरर में आ जाएगा। शी अराइव्ड होम एंटिसिपेटिंग विद एंग्री, वो इसी बात को मन में लेकर के घर पहुंची उसकी पत्नी, एंटिसिपेट मैंने आशा करते हुए वो घर पहुंची, विद एंग्री प्लेजर द वाइट फेस एंड क्विवरिंग लिप्स दैट वुड सून अपियर विद द न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन। इस तरह से गई एंग्री, बिल्कुल वाइट फेस, सफ़ेद चेहरा, क्विवरिंग लिप्स, होट कांपते हुए, क्विवर करते हुए, दैट वुड सून अपियर, बिल्कुल तब पता लग जाएगा कि एक उसको ये खबर मिल जाएगा, न्यूज़ मिल जाएगा कि दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि उसका जो बच्चा है वो किसी ने चोरी कर लिया है, वो चुरा लिया गया है। हाउ एनवाइड शी वाज, वो किस तरह से तंग थी, परेशान थी, अनवाइड थी। हाउएवर व्हेन जस्ट बिफोर लंच हर हस्बैंड केम, बिल्कुल लंच से पहले जैसे ही उसका हस्बैंड आया स्माइलिंग चेयरफुली एंड आस्किंग, काफ़ी हंसते हुए आया है, उसका जो पति है हंसते हुए आया, चेयरफुल्ली आया और पूछा, वेल माई डियर, कहता मेरे प्यारे, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, कहता वाह आज खाने के लिए क्या है, उसका पति कहता खाने के लिए क्या है, हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, वो बच्चे के बारे में पूरी तरह भूल चुका है, उसको तो याद ही नहीं है, एंड द फैक्ट दैट ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, कि वो सच बात तो ये थी कि वो जब गया था तो अपने बच्चे को प्राम में लेकर गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी भूल चुका है। वो हंसते हुए वापस आता है और अपनी बीवी से पूछता है कि हाय डियर, आज खाने के लिए क्या बना है। हाउ मेनी मैन बिलो द रैंक ऑफ फिलोसोफर वुड बी कैपेबल ऑफ सच
absent mindedness of this. कहते कितने लोग दुनिया में ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे दुनिया में इस रैंक का, इस दर्जे का, इस क्लास का अब्सिन माइंडेडनेस होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो ख्यालों की दुनिया में होगा, कुछ पी लिया होगा, जो भी है, मतलब वो अब्सिन माइंडेडनेस इस तरह का दुनिया में किसके पास होगा? मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, आई फेयर, मैं डरता हूँ, आर बॉर्न विद प्रोजाइकली एफिशिएंट मेमोरीज. कहता है कि हम में से हम डरते हैं, हम में से बहुत सारे लोग आर बोर्न विद पॉलिटिकली एफिशिएंट मेमोरीज. कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छी मेमोरी के साथ, पॉलिटिकली के मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर मेमोरीज के साथ, एफिशिएंट मेमोरीज के साथ, बिल्कुल काफ़ी एफिशिएंट, बिल्कुल प्रचुर ना मेमोरी के साथ पैदा हुए हैं. इफ़ इट वर नॉट सो, अगर ये ऐसा नहीं होता, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, ये जो परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्था है, संस्थान है, कुड नॉट सर्वाइव, बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहता, बिल्कुल भी बाकी नहीं बचता. इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, किसी भी बड़े मॉडर्न सिटी में, शहर में, इस तरह का जो जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्कुल भी बाकी नहीं रहता. तो यही है दोस्तों, ये पूरा का पूरी की पूरी कहानी थी जो रॉबर्ट लिंड ने लिखा था. और ये आप देख लिए कि फॉरगेटिंग किस तरह की बातों को दर्शाता है. फॉरगेट करना, किन किन केसों को हमने देखा. अब एक पिता को देख लीजिए, वो जाता है लेकर के भूल जाता है. तो इस तरह का भूलना बड़ा अजीब सा भूलना है. तो हमने कई चीज़ें देखी रॉबर्ट लिंड साहब के द्वारा लिखा हुआ. चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, आप इसको लाइक कर दीजिए. और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय.